नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि व्हाइट सॉस के अंदर मैक्रोनी पास्ता कैसे बनाएं। इस रेसिपी से घर में मिलने वाली सामग्री से हम बिल्कुल मार्केट जैसा पास्ता बनाएंगे। मेरी मसाला मैक्रोनी जो मैंने इंडियन स्टाइल में बनाई थी, उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर आप उस रेसिपी को भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये है इटालियन मैक्रोनी, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है क्योंकि इसमें मिर्च मसाले नहीं डलते। चलिए व्हाइट पास्ता क्रीमी सॉस के लिए हम सामग्री देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक मध्यम आकार के प्याज को इस तरह से लंबा लंबा पतला काट लिया है और एक छोटे प्याज को मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। ये कुछ लहसुन की कलियाँ हैं जिनको मोटा मोटा चॉप किया है। उसके बाद ये है हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च, और इन तीनों शिमला मिर्चों को मैंने इस तरह से लंबे लंबे जूलियंस की शेप में काट लिया है। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, और इसी के साथ हमें चाहिएगा एक बड़ा बाउल मैक्रोनी का। यहाँ मैं मैक्रोनी ले रही हूँ, आप चाहें तो जो लंबा वाला पेने पास्ता होता है वो ले सकते हैं, या बो शेप पास्ता, जो भी आप चाहें। और अब हम इसे पकाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक बड़े भगोने में मैंने ढेर सारा पानी लिया है, और इसमें हम डाल लेते हैं 3/4 चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। और इस पानी को अब हमें अच्छे से गर्म होने देना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि ठंडे पानी में आप पास्ता कभी नहीं डालें, नहीं तो ये जो है पास्ता ट्यूब्स इसमें घुल जाएंगी। तो पानी जब गर्म हो गया है तब मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया है, और उसके बाद एक करछी से इस तरह से इसको हिला लेते हैं। और जब तक हमारा मैक्रोनी पास्ता बॉयल हो रहा है, हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा लिया है, और उसके बाद इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच सॉल्टेड बटर, और इस मक्खन को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ये देखिए बटर मेल्ट हो गया है, तब हम इसमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं, जिससे कि बटर जो है हमारा वो जलेगा नहीं। और इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए प्याज और मोटे मोटे कटे हुए लहसुन। और प्याज और लहसुन को हमें 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से हिलाते हुए सौटे कर लेना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ व्हाइट सॉस बना रहे हैं। तो प्याज को बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे हम, और उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा का। और मैदा को भी इस तरह से हिला के हम बटर में अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनने में तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेगा। आप इस बात का ध्यान रखें, हमें मैदा को ब्राउन नहीं करना है, मैदा सफ़ेद ही रहनी चाहिए। और उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे 1 कप गरम दूध, हल्का सा गुनगुना दूध है ये, मैंने इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। और इस तरह से लगातार हिलाते हुए हम इसको पका लेते हैं, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट तक मध्यम आँच पे मैंने इस सॉस को पकाया है, और सॉस हमारा गाढ़ा हो गया है। ये देखिए आप कढ़ाई की दीवारों को अच्छे से ये कोट कर रहा है, इतना गाढ़ा हमारा सॉस हो गया है। तो इसे हम 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। ये देखिए हल्का सा और गाढ़ा हुआ है सॉस। तो अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल लेते हैं। अगर आपका सॉस थोड़ा सा और गाढ़ा है तो पानी आप ज़्यादा डाल के कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। और अब हम सीजनिंग कर लेते हैं। 3/4 चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ मिक्स्ड हर्ब्स। आप चाहें तो जो पिज़्ज़ा के साथ में छोटे छोटे पाउचेज आते हैं वो खोल के आप इसमें डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम डाल लेते हैं इसमें 1/4 चम्मच सफ़ेद काले मिर्च पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप जो नॉर्मल काली मिर्च हमारे घर में होती है उसको कूट के डाल सकते हैं। और नमक डाल लेते हैं हम स्वादानुसार। तो हमारे सॉस की सीजनिंग भी हमने कर ली है, इसको मिक्स कर लेते हैं हम। और ये देखिए कितना बढ़िया वाइट सॉस बन के, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी वाला वाइट सॉस है हमारा। तो सॉस हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो सब्जियां हमने काट के रखी थी वो ऐड कर लेते हैं। लाल, हरी और पीली तीनों तरह की शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ जो स्वीट कॉर्न्स हमने निकाल के रखे थे वो भी हम इसमें डाल लेते हैं। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ हमें इसमें डालने हैं जो एक प्याज हमने लंबा लंबा काट के अलग से रखा था, वो प्याज भी हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से अलग से प्याज डालने से पास्ता के अंदर एक बहुत अच्छा क्रंच आता है। तो ये सारी सब्जियां हमने इसमें मिक्स कर ली हैं, और अब इसे ढक के हम 2 से 3 मिनट तक मध्यम आंच पे पकाएंगे। और जब तक हमारा सॉस पक रहा है हम पास्ता को चेक कर लेते हैं।
जी हाँ, पास्ता बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। इसको हम एक पास्ता निकाल के चेक कर लेते हैं। इसकी हमें अल दांते कंसिस्टेंसी चाहिए। अल दांते कंसिस्टेंसी मतलब जब हम इसे चबाएंगे तो दांत में पास्ता हल्का सा चिपकता है। तो पास्ता हमारा उबल के रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो अब इस बॉइल्ड मैक्रोनी को हम एक जाली के ऊपर डाल के एक्स्ट्रा पानी ड्रेन कर लेते हैं और बिल्कुल अल दंते कंसिस्टेंसी वाला पास्ता हमारा उबला है। अब हम सॉस की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा सिज़ल कर रहा है हमारा वाइट सॉस और बन के रेडी है। तो इसको एक बार हम हिला लेते हैं और एक शिमला मिर्च को इस तरह से दबा के चेक कर लेते हैं। जी हाँ, शिमला मिर्च पक गई है। इसमें हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। पास्ता में हल्की सी क्रंची सब्जियाँ अच्छी लगती है। तो अब हम हमारा बॉइल्ड पास्ता इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से वाइट सॉस के अंदर हम टॉस कर लेंगे। इस समय हल्का सा सॉस हमें ड्राई लग रहा है, तो यहाँ मैं 2 बड़ी करछी गुनगुना दूध ऐड कर दूंगी जिससे कि ये हल्का सा लिक्विफाई हो जाए। तो ये 2 बड़े चम्मच दूध मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद मार्केट में इस तरह के क्रीम के टेट्रा पैक मिलते हैं। ये 200 ग्राम का एक टेट्रा पैक है और ये पूरा एक पैक हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो घर के दूध के ऊपर उतरी हुई मलाई को भी इसमें फैंट करके इस समय डाल सकते हैं। और क्रीम को भी डालने के बाद इसको अच्छे से हम टॉस कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही क्रीमी पास्ता इस समय लग रहा है। इसको ढक के हम 3 से 4 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पका लेंगे और 4 मिनट के बाद ढक्कन हटा के हम चेक कर लेते हैं। पास्ता बन के बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना क्रीमी पास्ता लग रहा है। व्हाइट सॉस और क्रीम पास्ता ट्यूब्स के अंदर पूरी तरह से भर गया है और हमारा स्वादिष्ट पास्ता खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारे क्रीम में डूबे हुए व्हाइट सॉस पास्ता को मैंने पिज्ज़ा सीजनिंग से गार्निश किया है। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स और बारीक कटा हुआ धनिया भी इस समय ऐड कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से झटपट घर पे ही आसानी से बनाएं ये व्हाइट सॉस पास्ता। और अगर आपको भी इसी तरह का क्रीमी पास्ता पसंद है तो वीडियो के नीचे एक लाइक तो बनता ही है। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई क्वारी है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।